गए रहे कहिन की का बोले यहाँ पे नियम हो चाहिए जगह तुमको मिले। और का बोले वहां डाट गास के वहां सब पहिया चलाए कि तोहरे सब पे ले जाए तो यहाँ जेल में कैद देवा। तोहरे सब बहुत यहाँ पे बदमाशी की हो। वो जो घूम आते हैं जिन्होंने आपके घर गिराया हाँ उन्हीं सबका किंतु जगन्नाथ और अजय और परवेज। परवेज हुआ कहिया हुआ बिथरिया कहिया और अजय हुआ कहिया कलंदर नगर के हुए और वो भवानीगंज के हुए जगन्नाथ। लोगों ने गिराया था पता हाँ ये नहीं सब गिराए नहीं गए। छह बजे लाए कहिया बुलडोजर और लाए कहिया दो ठू बच्चन के लेके घर में सोते रहन और 6 बजे लाए तो पीछे से बुलडोजर लगाए कहिया और फुल भहराए दहन। भहराए कहिया वो कहीं सब जान पाए गांव भर देखे लागे सब दौड़े हमहू दौड़न साहेब। फिर वहां से यहाँ हम ओकर हुए कहिया ईटा सब कुछ बटोर के गांध दिहन गाजे के बाद में यहाँ से ही पुलिस ले जाए कहिया 4 ठू बताए दे। कल जो कल कौन कौन अधिकारी आए थे नाम नहीं मालूम होता है तुम लोगों ने कहा कि कार्रवाई होगी वहां कहीं नहीं कारवाली हो कहीं नहीं। हाँ बाकी आप आपसे पूरी जानकारी उन्होंने लिया। हाँ अब ये सब वह सब चला गए तो ये सब हमसे बयान ले लगे जबरई से यहाँ अंगूठा मांगे लगे तो हम अंगूठा नहीं दिहन। तो हम कहन कि हमार साहेब हमार घर रहा हम रुपया दे के जमीन खरीदे रहन हम बनवाए रहन हमार हुए ये सब जगह लिहन पीछे जमीन नहीं पाइन हमार घर गिरवाए दिहन गिरवाए कर रास्ता बनाए लिहन। कल सर लोग आए थे डीएम आए थे और उसके बाद में एक साहब और थे उनका नाम नहीं मेरे को मालूम है एडीएम सर थे वो लोग उन लोग को मतलब डांट फटकार लगाए। उसके बाद में मेरे को बोले इनके खिलाफ कार्रवाई करो पुलिस केस करो। उसके जिन बाद लोगों ने आपका घर दिया हाँ उनके खिलाफ मतलब अजय के ऊपर और जगन्नाथ जिन लोग जिन लोगों ने और परवेज के नाम पे। उसके बाद में उन लोग को डांट बलात्कार करके उसके बाद में थोड़े देर में चले गए। अब मेरे को यही है मेरे को न्याय का आश्वासन दिए हैं और मेरे को सबसे गुजारिश है कि मतलब मेरे को न्याय मिलना मांगता है। उन्होंने कहा कि आप जो जिन लोगों ने बुलडोजर से आपका घर गिराया कि उनके साथ तैयार हो हाँ उन्होंने बोला था कि मतलब डीएम साहब बोले थे कि मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी आप एक दरखास्त करो। मैं बोला उनको कि मतलब दरखास्त दिया हूँ तो बोले उसी पे हो जाएगा आपको विश्वास रखो आपको न्याय आपका घर मिलेगा। गिरा न्याय मिलेगा। हाँ न्याय मिलेगा। जो लोग बुलडोजर से घर गिराए वो लोग अभी उनकी धमकी दे रहे हैं हाँ धमकी तो दे रहे हैं कल वो लोग मतलब उतर रहे थे धमकी दे रहे थे मेरे को कि मतलब ये तो इधर उधर क्यों जा रहा है इधर उधर क्या है तेरा रखा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या आप अपील कर रहे हैं करना अपील मैं चाहते यही करना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरे को न्याय मिलना मांगता है और इनके खिलाफ कार्रवाई होना मांगता है। और उसके बाद में मेरे को जो ये धमकी मिल रहा है मेरे को धमकी नहीं मिलना मांगता है। मेरे को मतलब इधर उधर यार वार जाने का और उसके बाद में हर अधिकारी से मिलने का मेरे को परमिशन मिलना मांगता है। पत्रकार अब इसको दिखाता नहीं बताइए आप किसके हैं। देखिए उसी संदर्भ में अभी मेरी आयुक्त से बात हुई है उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया है कहा हम इसको दिखाते हैं कार्रवाई करेंगे। अब मैं नहीं जानता कि एडीएम ओडीएम गए थे उन्होंने रिपोर्ट लगाई। और वो ऐसा है ये जो पुराने जमींदार होते थे लोगों को जमीन दे देते थे पैसा लेके जाओ घर बना लो। कोई उस समय बैनामा नामा तो होता नहीं था 30-40 साल पहले तो ऐसे महंत के शंकर भगवान के नाम से जमीन थी और महंत ने सड़क के किनारे दे दिया ये आदमी उसमें थोड़ा थोड़ा बना लिया था। अब उधर पीछे उनको ज्यादा रुपया मिलने लगा और ये जो बिल्डर है ये जबरदस्ती घूम घूम करके जगह जगह जमीन खरीद के प्लाटिंग करके बेचते हैं। इसके पीछे की जमीन थी उन्होंने उसे बेचा। अब रास्ता था नहीं तो रास्ता के लिए पहले से इसको धमकाया गया। ये मेरे पास आई मैंने वहां के महंत को चिट्ठी लिखी भाई गरीब है इसका घर क्यों गिराने जा रहा। तो उन्होंने मुझसे कहा मैं नहीं गिराऊंगा।
एक दिन ये आई रोती हुई कि ये सोनहा यशो या पुलिस सोनहा की बैठ के अब बुलडोजर लगा के इसका घर गिरवा दिया, सामान भी नहीं निकालने पाया। फिर मैं जब लौट के आया तो तहसीलदार को कहा, तहसीलदार मौके के हुए, उन्होंने जांच करके रिपोर्ट प्रेषित की है, मुझे कॉपी भी भेजी है कि ये जो है महंत की जमीन थी उस पर ये बनाई थी, महंत ने रास्ता बनाने के लिए इसका घर गिरा दिया। अरे देखिए उनका बुलडोजर दूसरा है, उनका बुलडोजर तो जानबूझकर अपराधी बनाने के लिए किसी न किसी तरह से चल, लेकिन ये तो जानबूझकर रास्ता पाने के लिए बिल्डरों ने इसका घर गिरा दिया, क्योंकि उसकी जमीन भीग नहीं रही थी रास्ते के नाते। अब अगर सुनवाई होती तो मेरे पास क्यों जाती, मैं रहने वाला हूँ इटवा का और रहने वाली पिरैला नरहरिया की, जब नई सुनवाई तो मेरे पास गई, इसका मायका मेरे यहाँ है इसीलिए मेरे पास गई, तो मैंने थोड़ा उस पर कराया, मैंने होम सेक्रेटरी को भी चिट्ठी लिखी उसको चतरी जांच करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।